एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोर्ट हब तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन तो स्पेशलाइजेशन का यूनिट वन का जो टॉपिक है हमारा वो आज का कम्युनिटी रहेगा तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिटी रहेगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट एम होंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये प्रैक्टिस सेट वन रहेगा आपका तो जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो तो चैनल पेज पे जाके बाकी की वीडियो भी देख लें स्पेशलाइजेशन के ऊपर तो चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कम्युनिटी तो कम्युनिटी का जो प्राइमरी पर्पज़ है वो क्या रहे? है तो आपके स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है ए सोशलाइजिंग बी इकोनॉमिक ग्रोथ सी इंडिविजुअल अचीवमेंट डी इन्वॉल्वमेंट तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या रहेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोशलाइजेशन है ए इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा विच टाइप ऑफ कम्युनिटी इज डिफाइंड बाय ज्योग्राफिक लोकेशन तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं ए वर्चुअल कम्युनिटी बी ग्लोबल कम्युनिटी सी लोकल कम्युनिटी डी प्रोफेशनल कम्युनिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लोकल कम्युनिटी सी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे वट इज द टर्म फॉर अ कम्युनिटी दैट शेयर कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स ऑनलाइन तो आपके स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है ए वर्चुअल कम्युनिटी बी रूरल कम्युनिटी सी कल्चरल कम्युनिटी डी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वर्चुअल कम्युनिटी ए इज द करेक्ट आंसर अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर अ कम्युनिटी सुस्टेनेबिलिटी तो आपके स्क्रीन uh, के ऊपर चार ऑप्शन है ए पॉपुलेशन साइज बी रिसोर्स अवेलेबिलिटी सी कल्चर डाइवर्सिटी सी पोलिटिकल स्टेबिलिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे वट रोल डज कम्युनिकेशन प्ले इन अ कम्युनिटी तो कौन सा रोल कम्युनिकेशन प्ले कम्युनिटी के अंदर प्ले करता है रोल कम्युनिकेशन प्ले इन अ कम्युनिटी तो आपके स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं ए इट्स ऑप्शनल बी इट फॉस्टर्स यूनिटी सी इट हाइंडर प्रोग्रेस एंड डी इट्स रेलिवेंट्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है तो बी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे विस टाइप ऑफ कम्युनिटी इज करेक्टराइज बाई शेयर्स प्रोफेशनल आर कैरियर्स तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है ए एकेडमिक कम्युनिटी बी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी सी प्रोफेशनल कम्युनिटी डी एथनिक कम्युनिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी प्रोफेशनल कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर तो काफी सारे बच्चे जो है वीडियोस तो देखते हैं बट वीडियोस को लाइक नहीं करते तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे व्हाट इज द टर्म फॉर अ कम्युनिटी दैट स्पेंस अक्रॉस बॉर्डर एंड कल्चर्स तो आपके स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है ए लोकल कम्युनिटी नेशनल कम्युनिटी ग्लोबल कम्युनिटी या डी कल्चरल कम्युनिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी ग्लोबल कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे इन डेमोक्रेटिक कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग इज टिपिकली बेस्ड ऑन टिपिकली बेस्ड ऑन ए एटोक्रेसी बी कंसेस एंड डी सी ओलिग्रेसिस डी अनारची तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल डायवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी तो कौन से फैक्टर्स जो है वो कल्चरल डायवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूट किए जाते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है एमजेनेटी बी एसिमुलेशन सी इंटीग्रेशन डी मल्टी कल्चरिज्म तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पॉट है तो डी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे व्हाट इज़ द पोटेंशियल चैलेंज इन मेंटेनिंग सोशल कॉन्शियंस एंड विद अ कम्युनिटी तो आपके स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है डाइवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे विच कम्युनिटी टाइप इज फॉर्म्ड अराउंड कॉमन रिलीजन बिलीव्स तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा फेथ बेस्ड कम्युनिटी तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे द टर्म सेंस ऑफ कम्युनिटी रेफर्स टू तो आपके स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इमोशनल कनेक्शन इज द करेक्ट आंसर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे वट इज द रोल ऑफ लीडरशिप इन अ कम्युनिटी तो लीडरशिप का क्या रोल रहता है कम्युनिटी में तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गाइडेंस एंड फैसिलिटेशन इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द रिसाइलेंस ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है आइसोलेशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन सोशल बॉन्ड्स एंड यूनिफोर्निमिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी सोशल बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे विच टाइप इज सेंटर्ड अराउंड आर शेयर लर्निंग इनवॉलमेंट तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन है तो सी इज द करेक्ट आंसर लर्निंग कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविक एंगेजमेंट इन आ कम्युनिटी तो इसका जो करेक्ट आंसर है बीच सोशल प्रोग्रेस इज द करेक्ट आंसर तो जिन बच्चों को वीडियो पॉज करके देखनी है उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है तो उसको अच्छे पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे इन विच कम्युनिटी व्हाट डज़ द टर्म सोशल कैपिटल रेफर टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोशल रिलेशनशिप एंड नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ रेसिपरोसिटी इन कम्युनिटी रिलेशनशिप तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी कॉरपोरेशन रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे विच कम्युनिटी करेक्टराइज प्रोमोट्स अ सीन ऑफ बिलोंगिंग अमोंग इट्स मेंबर्स तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पॉट रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे वट इज द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ऑन इंडिविजुअल्स वेल बींग तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार ऑप्शन हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट इज द करेक्ट आंसर होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो